सलमान, मैंने हमेशा कहा कि आई डोंट थिंक एनीबडी नो सलमान लाइक आई डू, अ मैन विद एन एब्सोल्यूट गोल्डन हार्ट, और इसीलिए लोगों को याद रहता है. यू नो, जब आप खुद एक अच्छे इंसान होते हो, जो कभी भी जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप कभी भूलते नहीं हो, और दैट इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ अ जेंटलमैन. मुझे आज भी याद है कि एक 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 डेमॉन्स्ट्रेशन था या किसी चीज़ के लिए हमारी मांग थी फ्रॉम एन इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, और हम ट्रक में जा रहे थे और सलमान बार बार कोई सलमान को बुला रहा था ऐसे ऐसे कि टाइम हो गया. तो मैंने बोला सलमान कहाँ जा रहा है तू, यार काम में मैं होके आता हूँ. और मैं बोला यार बीच में छोड़ के जा रहा है, इसे आई हैव टू गो नो एंड आई विल गो. और जब मुझे पता चला तो ही हैड गॉन टू टेस्ट हिज बोन मैरो फॉर अ किड हु वाज सफरिंग फ्रॉम बोन मैरो कैंसर, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग्स टू डू एज फार एज आई हर्ड. और उसने बताया भी नहीं, गया टेस्ट किया और वापस आके ज्वाइन भी किया. तो उसने क्या क्या दिया है लोगों के लिए, मैं मटेरियल चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट वॉट ही डज, वॉट सलीम अंकल डज, वॉट दैट फैमिली डज इज इमेंस. तो उसके बारे में सब बात न करते हुए एक छोटी सी बात के बारे में बात करना, आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट अ ह्यूमन बींग.